दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ इस वक्त 96 साल की हैं और वो दिन दूर नहीं है जब वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन की हेड ऑफ स्टेट ही नहीं बल्कि 15 और देशों की हेड ऑफ स्टेट भी हैं। इसके अलावा क्वीन के नाम पर अलग अलग देशों की करेंसी भी चलती है और क्वीन के बाद एक नए राजा की ताजपोशी भी होने वाली है। क्वीन के मरने के बाद क्या होगा, इसे लेकर एक सीक्रेट प्लान पहले से ही मौजूद है जिसे स्टीवन नाइट नाम के जर्नलिस्ट ने कुछ साल पहले दुनिया के सामने रखा था। इस प्लान में क्वीन के विदेश में मरने से लेकर तय किए गए प्रोटोकॉल समेत कई सारी जानकारियां मौजूद हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्वीन के मरने के बाद क्या होगा तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर क्वीन की मौत उनकी खराब हेल्थ के कारण होने वाली है तो उनके रॉयल डॉक्टर इस वक्त उनके साथ होंगे और जब ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि उनका मरना तय है तो उनके दर्द को कम करने के लिए क्वीन को 750 मिलीग्राम मॉर्फिन और 1 ग्राम कोकेन का एक शॉट दिया जाएगा जिससे उनकी मौत हो जाएगी। यही तरीका ब्रिटेन के पिछले राजा जॉर्ज पंचम की मौत के वक्त भी अपनाया गया था। क्वीन की मौत के बाद एक सीक्रेट प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा और क्वीन की खबर को सीधा ना बताकर कोड वर्ड में सबको बताया जाएगा और ये कोड है द लंडन ब्रिज इज डाउन। क्वीन के मरने की जानकारी सबसे पहले उनके प्राइवेट सेक्रेटरी एडवर्ड यंग को दी जाएगी। इसके बाद ये खबर एक सीक्रेट फोन लाइन की मदद से यूके के प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। इसके बाद ये न्यूज़ यूके के फॉरेन ऑफिस के ग्लोबल रिस्पॉन्स सेंटर से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत उन 15 देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को दी जाएगी जहां पर क्वीन अभी हेड ऑफ स्टेट है। इन 15 देशों के बाद ये जानकारी बाकी 36 देशों को भी दी जाएगी जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। इसके बाद ये जानकारी बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी दी जाएगी। लेकिन अभी भी ब्रिटिश जनता इस खबर से बिल्कुल अनजान होगी। क्वीन की मौत को आम लोगों को बताने के लिए भी एक खास प्रोटोकॉल है। यूके की ऑफिशियल समाचार एजेंसी बीबीसी के ऑफिस में आरएटीएस नाम का एक अलार्मिंग सिस्टम लगा हुआ है जो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां क्वीन के मरने की खबर पहुंच जाएगी। बीबीसी के रिपोर्टर्स हर साल क्वीन के मरने की खबर टीवी पर दिखाने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि सब कुछ परफेक्टली हो, इसीलिए एंकर्स को टीवी पर भेजा जाएगा। ये एंकर्स ये खबर सुनाते वक्त काले सूट और काली टाई पहनेंगे और ये खबर पढ़ेंगे। बीबीसी पर अगले 12 दिनों तक कॉमेडी प्रोग्राम्स का दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यूके के रेडियो स्टेशंस पर भी एक दूसरे की तरह ब्लू लाइट लगी हुई है। जैसे ये ब्लू लाइट जलने लगेगी ये रेडियो स्टेशन समझ जाएंगे कि रॉयल फैमिली में किसी की मौत हो चुकी है और वो हर स्टेशन पर सैड म्यूजिक से भरी हुई 2 प्लेलिस्ट बजाना शुरू कर देंगे। और इसके करीब 10 से 15 मिनट बाद रेडियो पर भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि क्वीन की मौत हो चुकी है। अगर क्वीन की मौत यूके के बजाय किसी विदेशी जमीन पर होती है तो रॉयल एयरफोर्स का एक विमान रॉयल फ्लाइट तुरंत ही उस देश में भेजा जाएगा। इस विमान में पहले से ही एक ताबूत मौजूद होगा जिसमें क्वीन के शरीर को लाया जाएगा। क्वीन की मौत के बाद अगले 2 दिन तक यूके के राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा, लेकिन रॉयल फ्लैग नहीं झुकेगा क्योंकि क्वीन के बाद प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स बन जाएंगे। क्वीन की मौत के बाद यूके की रॉयल मिंट सभी नोट्स की प्रिंटिंग बंद कर देगी और नए नोट्स प्रिंट करना शुरू कर देगी जिसमें एलिजाबेथ की जगह किंग चार्ल्स का चेहरा होगा। पुराने सभी नोटों को बदल दिया जाएगा जिसमें करीब 1400 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में जहां क्वीन की तस्वीर आप वहां के करेंसी नोट्स पर देख सकते हैं उन सभी को बदल दिया जाएगा। क्वीन के मरने के तुरंत बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा और इनकी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर उस वक्त किसी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसे भी रोक दिया जाएगा। इसके बाद दुनिया भर में करीब 10,000 इन्विटेशंस बांटे जाएंगे जो क्वीन के अंतिम संस्कार के लिए होंगे। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की एक जॉइंट मीटिंग में अब यह पार्लियामेंट नए राजा के प्रति वफादार होने की शपथ लेगी और किंग चार्ल्स वहां पर एक स्पीच देंगे। क्वीन के मृत शरीर को बकिंगम पैलेस के थ्रोन रूम में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाएगा और इसके साथ साथ वहां पर क्वीन की सारी ज्वेलरी के साथ रॉयल क्राउन को भी वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। नए राजा चार्ल्स की ताजपोशी के बाद एक बार फिर से क्वीन की मौत की खबर पढ़ी जाएगी और उन्हें 41 तोपों की सलामी दी जाएगी। क्वीन के मरने के 5वें दिन उनके शरीर को थ्रोन रूम से निकालकर अब वेस्टमिंस्टर हॉल तक ले जाया जाएगा जहां ये बॉडी अगले 4 दिनों तक रहेगी ताकि लोग इसे देख सकें। ये पहली बार होगा जब लोग क्वीन की डेड बॉडी को अपनी आंखों से देख पाएंगे।
बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल तक इस शरीर को लाने के लिए भी एक बड़ा समारोह होगा, जिसमें करीब 10 लाख लोगों के आने का इंतजाम किया जाएगा। ये एक बहुत लंबी मिलिट्री परेड भी होगी और ये परेड एग्जैक्टली उस वक्त वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचेगी जब लंदन में बिग बैंग की घंटियां बजनी शुरू होंगी। क्वीन की मौत के 12वें दिन सभी रॉयल ज्वेल्स को इस ताबूत के पास से हटा दिया जाएगा और स्टॉक मार्केट को भी एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्टॉक मार्केट के साथ साथ पूरे देश की सभी दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी, जिससे पूरे दिन में यूके को करीब 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। क्वीन को जिस दिन दफनाया जाएगा उस दिन रॉयल एयरफोर्स की सभी जहाजों को जमीन पर उतार दिया जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर सभी अनाउंसमेंट्स रुक जाएंगी, सभी बसें सड़क पर एक तरफ रुक जाएंगी और ड्राइवर्स बस से बाहर आ जाएंगे। क्वीन को दफनाते वक्त वेस्टमिंस्टर हॉल में करीब 2000 गेस्ट मौजूद रहेंगे और ये पूरा फंक्शन दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट होगा। इस बीच ब्रॉडकास्टर्स को ये सख्त हिदायत है कि वो किसी भी रॉयल का चेहरा उस वक्त ना दिखाएं जब कॉफिन से उसे बाहर लाया जाएगा। अब क्वीन के कॉफिन को एक ग्रीन गन कैरियर में रखकर करीब 23 मील दूर विंस्टर कैसल तक ले जाया जाएगा, जहां पर क्वीन के सभी फैमिली मेंबर्स मौजूद रहेंगे और यहीं पर आखिर में क्वीन को दफनाकर ये सेरेमनी खत्म की जाएगी। क्वीन एलिजाबेथ का मरना किसी भी ग्लोबल इवेंट से ज्यादा पॉपुलर होगा और ये बात हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब प्रिंसेस डियाना की मौत हुई थी तब दुनिया भर में 230 करोड़ लोगों ने इस इवेंट को लाइव देखा था, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से ये इवेंट और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। क्वीन की मौत ना सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि देश भर और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि इससे कई चीजें बदल जाएंगी। ब्रिटिश लॉस के मुताबिक इस पूरे फंक्शन का खर्च ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी और इसमें से कुछ पैसा पूरे देश में बड़ी बड़ी स्क्रीन सेटअप करने के लिए भी किया जाएगा, जहां पर लोग इस इवेंट को देख पाएंगे। क्वीन की मौत के समय और क्या किया जा सकता है, जिसका पूरा डिटेल्ड प्लान हर साल एक कमेटी द्वारा दोबारा स्टडी किया जाता है ताकि इसमें चेंजेस किए जा सकें। तो उस दिन और क्या होगा, ये बात अभी कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि क्या क्वीन की मौत से भारत को कोई फर्क पड़ेगा और भारत के लोग इस पर रिएक्ट कैसे करेंगे? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।